हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू व्लॉग। हो चुकी मेरी शुरुआत। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और दिवाली के काम में व्यस्त होंगे सभी लोग। और यही है, अभी दिवाली का टाइम है तो बस सब ऐसे बिजी होंगे जैसे हम लोग हैं। और आज मैं करने जा रही हूँ, ये प्लांट्स हैं ना, इनके सामने जो ग्रिल है उसमें मैं कलर करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ख़राब हो चुकी है। काफ़ी टाइम हो गया कलर नहीं किया, 2 साल तो हो गए होंगे लगभग। तो चल रहा था तो चला लिया, इस बार अब हमने सोचा कर ही लेते हैं। तो बाकी के प्लांट्स तो मैंने हटा दिए यहाँ से, बाकी ये मनी प्लांट्स है ना, ये अभी इतना फैल गया ना, एकदम सूख गया था और अब अचानक से इतना बढ़ गया ना, तो पूछो मत। तो इसके लिए जगह नहीं हो रही है, अभी दूसरे प्लांट्स यहाँ से हटाने पड़े क्योंकि वो भी बड़े हो रहे हैं ना, तो उनको भी जगह नहीं मिल रही बढ़ने की, क्योंकि ये छत है ना अड़ जा रही है, तो हमने वो भी हटा दिए। तो मैंने कहा चलो हटा देते हैं तो कलर भी कर देते हैं। तो ये इसको मैं हटाई जा रही थी क्योंकि ये पीछे से भी राउंड राउंड हो गया था जलेबी जैसा, तो वहाँ से भी निकालना था, इधर से भी निकालना था, और ज़्यादा फोर्स करते हैं टूट जाती टहनियाँ सारी। तो बहुत मुश्किल से धीरे धीरे करके निकाली मैंने, और फिर मैंने यहाँ पे पानी से पोछा मार दिया। इसमें बहुत धूल धूल भी हो रही थी, पहले झाड़ा फिर उसके बाद पोछा मार दिया। फिर मैंने कहा इसमें कलर कर दूंगी, जितना हो सकेगा इतना कर देती हूँ, बाकी जो प्लांट्स है ना मनी प्लांट्स उसको हटा के बाद में करूँगी। तो मैंने कहा जितना होगा उतना करके फिर सूख जाएगा तो प्लांट्स को ऐसे फैला देंगे, तो जगह होगी तो कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा करना है। प्लांट्स जो पॉट है उनमें भी करना है, बाकी जितना हो सकेगा उतना कर लेंगे। अब करूँगी तो मैं बताऊँगी, क्योंकि अब मेरा काम कलर का ही है, पेंटिंग करने का, तो मैं यही करूँगी। साफ़ सफाई सब लोग कर रहे हैं घर पे, तो मुझे ये काम सौंप दिया है, तो मैंने कहा चलो मैं कर लेती, तो मेरा ब्लॉग भी बना लेती हूँ, तो वो अपना काम। तो गाइज, आपका काम कैसे चल रहा है? हमारा तो चल ही रहा है धीरे धीरे, और थोड़ा मम्मी की तबीयत भी ख़राब है ना, तो मम्मी को भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट करना है, शाम को जाना है, क्योंकि सुबह लेके जा रहे थे तो बोला कि शाम को ले आना, तो मम्मी की सर्जरी करनी है। अब मेरे ब्लॉग ऐसे ही आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं मिलेगा, थोड़ा टेंशन भी चल रही है मम्मी की, तो जल्दी ठीक हो जाएँ, बस यही दुआ कर रहे हैं कि मम्मी जल्दी सर्जरी सक्सेस हो जाए और घर आ जाए। तो इसलिए ना थोड़ा धीरे धीरे भी काम चल रहा है, आधा हो रहा है आधा, जैसे जितना होगा उतना ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दिवाली में ही होगा काम, ऐसा नहीं है, वैसे भी होता ही रहता है ब्लॉग बनाते तो ब्लॉग में तो सारा करना ही पड़ता है। तो बस यही था, धीरे धीरे कर रहे हैं, जितना होगा उतना करेंगे। अरे यहाँ देखो प्लांट को हटा हटा के मैं कर रही थी, उसमें भी काला काला लग रहा था, तो मैंने कहा चलो सूख जाएगा ना, तो फिर अभी बाद में हटा देंगे, क्योंकि भाई भी घर पर नहीं, मम्मी के साथ ही है हॉस्पिटल में, तो मैंने कहा चलो मैं कर भी लेती हूँ। मन भी नहीं था करने का, पर ये निपटाना भी पड़ेगा ना, एक बार शुरू कर दिया था तो बस यहाँ पे मैं गेट में भी आ गई, बाहर के गेट में यहाँ पे भी मैं कर रही थी कलर, और मेरे हाथ इतने काले काले हो गए थे ना, पूछो मत, क्योंकि गेट में ना पानी से ना जब बारिश आती है तो बहुत ख़राब हो जाता है, तो ये सब करना ही मतलब पड़ता है, हर बार गेट में तो करना ही पड़ता है, क्योंकि फिर ख़राब हो जाएगा, इतना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे ना अंश था मेरे सामने और तन्नू, दोनों ही थे, और वो लोग भी कह रहे थे हम करेंगे हम करेंगे, हमको तो करने नहीं दे रही, हमको तो करने नहीं दे रही। मैंने कहा कर लेना, थोड़ा सा इतना मुझे करना था, उसके बाद तुम करना। तो फिर तन्नू भी जा रहा है ना टूर पे, तो आज रात को तन्नू भी टूर पे निकल जाएगा, क्या करें, उसको भी 1 महीने पहले से ही सेटिंग हो गई थी स्कूल में, जाना है तो जाना ही है, तो उसको तो जाना ही पड़ेगा। तो बोला था कि उन्हें मुझे थोड़ा सा करने दे, मैंने कहा ठीक है ले कर लेना, तो थोड़ा उसने किया, फिर बाकी मैंने किया, और तो अच्छा करा था उसने भी, अच्छा कर रहा था। मैंने कहा फटाफट कर लेती, क्योंकि ना ये सूखना भी था, यहीं से आना जाना होता है सबको, तो सब यहीं हाथ लगाते हैं ना गेट पे, तो काले काले हो जा रहे थे हाथ, तो मैं फटाफट, मैंने कहा फटाफट निपटा भी लेते। और पानी की टंकियाँ भी हमको वॉश करनी थी, तो वो भी वॉश करने के लिए उसको भी 6 बजे आना था टंकी वॉश करने वाले को, तो मैं कह रही थी कि हे भगवान जल्दी ये हो जाए काम, नहीं तो फिर और भी लेने के देने पड़ जाएंगे, काले काले हो जाएंगे सब लोग। तो बस यहाँ पे मैं ना कलर भी कर रही थी, मुझे ये भी बाहर वाला गेट भी करना है, दरवाजा जो बड़ा वाला है ना उसमें भी करना था, तो टाइम जितना होगा उतना करूँगी, क्योंकि फिर मम्मी का भी देखना है ना वहाँ पे, तो उसके बाद फिर खाना वाना सब बनाना है मुझे, सारा काम भी खाना वाना सब, क्योंकि अभी कोई है नहीं, सब मम्मी के साथ ही है, तो तनुवन से तो छोटे हैं तो चलो तो घर पर रहेंगे, और बाकी तो सब गए हुए हैं। तो यहाँ मैंने कहा फटाफट, मैंने कहा तुम लोग बाद में करना, पहले मुझे करने दो, फटाफट हो जाएगा तो जल्दी सूख भी जाएगा गेट, और फिर दूसरे भी करेंगे टाइम मिलेगा तो। तो यहाँ पे मैं बस खाना बनाने की तैयारी में भी जाना था मुझे, फटाफट क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ सोच भी रही थी। तो बस जी कलर करते 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 ना शाम हो गई थी, बहुत देर हो गई थी, पता है लगता है कि बहुत इजी है जब करने बैठो ना, तो बहुत टाइम हो लग ही जाता है इसमें, और बार 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 होता ही है, क्योंकि हर जगह करना पड़ता है ना, कहीं से रहना जाए ऐसा लगता है। तो बस ऐसे करते करते शाम हो ही गई थी, 6:30-7:30 तक मुझे बज गए थे, और क्योंकि पहले ग्रिल किया, फिर उसको धोया, फिर पोछा, फिर दरवाज़ा गेट ये सब
तो इसमें भी एक बार अच्छी तरह से हाथ कर दो ना तो अच्छा हो जाता है। मुझे पहले पापा थे ना तो पापा करते थे और मैं मुझे बहुत शौक है करने का, तो मैं कर लेती हूँ। तो हम लोग खुद ही कर लेते हैं ये सब काम। अभी जितनी विंडो है ना आप देखते हैं उनमें कब तक होगा दिवाली के बाद।